हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैंने नन्ही आज फिर एक पार्टी पर्स लेके आई, और ये पार्टी पर्स कुछ अलग तरीके से बना है। मतलब पैटर्न तो सीधा साधा है, लेकिन इसमें जो हमने मटेरियल लगाया है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए हमें सामान चाहिए, वो मटेरियल मैं आपको बताऊंगी। 13x21 का, 13x21 इंच का 1 पीस हमें चाहिए क्विल्टेड। मैं आपको सामान दिखाती चलती हूँ, जो इस तरह से है। ये हमारा क्विल्टेड पीस है 13x21 इंच। और इसी साइज में हमें एक कंट्रास्ट में प्लेन कपड़ा चाहिए होगा, 13x21 इंच का, जो मैंने इसमें लिया है। और ये सभी कपड़े सेमी सिल्क में है, क्योंकि पार्टी वेयर पर्स है, तो उसमें एकदम से कॉटन या एकदम से सिंथेटिक लेना अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके हिसाब से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमें चाहिए 10x13 इंच का 1 पीस। याद रखिएगा, 10x13 इंच का 1 पीस, जो इस तरह से है। और फिर हमें जिप चाहिए 10 इंच की। पर्स की हमारी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच, और जिप हमारी जो लगेगी वो 13 इंच की लगेगी, और साइड में जो हमने अंदर कपड़ा यूज करना है प्लेन वाला, उसी की ये पट्टी लगा करके इसको हम पूरा 13 इंच तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए एक हैंडल, 1 पीस हैंडल चाहिए, जो मार्केट में कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि आज हम कुछ अलग स्टाइल से बनाएंगे। और ये जो हैंडल है, आपको जहाँ पर बैग बनाने का सारा सामान मिलता है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ये मोटे और पतले और कई साइज में मिलता है, लंबे में मिलता है, स्क्वायर में मिलता है। ये मेरा यू शेप में है, ये देखिए यू शेप आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसमें ये जो इसके जो लूप हैं, जो बैग में लगेंगे, इसके अंदर कांटे होते हैं, और ये लगाने में बहुत आसान होता है। इसको सिला नहीं जाता है, इसको केवल फिक्स किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ ही हमें चाहिए एक लेस, जो इसको डेकोरेट करने के काम आएगी। ये भी एकदम कंट्रास्ट कलर में है। अब इसमें ग्रीन और येलो दोनों है, जो हम बैग बनाएंगे, ग्रीन येलो दोनों है, तो इसमें ग्रीन येलो तो है ही, साथ में और भी कंट्रास्ट कलर हैं जो बैग की सुंदरता को बढ़ाएंगे। तो ये हो गया हमारा सामान। फिर सबसे लास्ट में हमने लिखा है यहाँ पे प्रेस लॉक। प्रेस लॉक आपने पर्स में देखा होगा, इस तरह से बटन लगे होते हैं, और इसको ऐसे दबाने पर ये खुल जाता है। तो ये भी वहीं पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये और हैंडल आज हमारे पर्स में लगेंगे, और देखना है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। और एक चीज और यहाँ पे बता दूँ कि ये जो पर्स है हमारा, जब हम इसको बना लेंगे तो इसकी कैपेसिटी केवल ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम या 300 ग्राम तक उठाने की है, क्योंकि ये पार्टी वेयर पर्स है। इसके अंदर ज़्यादा सामान हम नहीं लेके चल सकते हैं। पार्टी वेयर को पार्टी वेयर ही पर्स हम तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हमें कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हम ये इसका सामान है, आपने नोट कर लिया होगा। ये हमारी जिप इस तरह से हमें पहले तैयार कर लेनी है, ये भी तैयार है। और अब हम सबसे पहले जो 10x13 इंच का पीस था उसको लेंगे, और उसको जस्ट ऐसे हाफ कर देंगे। ये हमारा 13 है, ये हमारा 10 है, और इसको बस इस तरह से हाफ करेंगे, और जहाँ पर ये डबल हमने किया है इसको हम सिल देंगे। ये जो हमने पीस सिला है इसको हम सीधा कर देंगे, इस तरह से पूरा सीधा कर देंगे, और जो जोड़ वाला हिस्सा है इसको बराबर करके हाथ से ही या उंगली की मदद से प्रेस कर देंगे।
सिलाई बाहर रखते हुए इस तरह से प्रेस कर देंगे, तो ये कपड़ा हमारा पूरा बराबर आ जाएगा। ये हमारा सीधा हो गया। अब हमें इस पर मशीन चलानी है। बीच में से मोड़ के और इसमें हम इसका सेंटर निकाल के और एक लाइन खींच देंगे। बस ये हमारा इतना तैयार हो गया। अब इसको भी हम अलग रख देते हैं बाकी चीजों के साथ। अब हम मेन पार्ट उठाएंगे क्विल्टेड पीस, और ये जो अंदर का हमारा सेम साइज का दूसरा पीस है उसको अब हमें इसमें निशान लगाना है। हमारा जो पर्स है वो ये 13 रहेगा, और जो इसकी जो पूरी साइज है पर्स की जो अंदर की जो डेप्थ है वो पूरी 7 इंच की रहेगी। तो इसको हम यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से ये है, यहाँ पर ये 7 इंच आ रहा है। निशान लगाएंगे दोनों साइड में और पूरी लाइन खींच देंगे। ये अब यहाँ पर ये हमारी एक ही काम करेंगे इसके साथ। अब ये जो हमारी जिप है, जिप को हमें लगाना है और प्लेन कपड़े के साथ। तो जिप को इस तरह से लगाना है कि इसकी सिलाई भी अंदर हो जाए और जिप भी हमको सीधी दिखाई दे, और हमें कोई इसमें सिलाई नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो ये जो 13 इंच का हमारा पीस है यहाँ पर मैंने सेंटर निकाला है, और जो ये 10 इंच की जिप है यहाँ पर भी मैंने सेंटर निकाला हुआ है। तो दोनों सेंटर को मिलाएंगे और इस कपड़े को भी लेंगे, इसके साथ रखेंगे इस तरह से। इसका भी सेंटर निकाला हुआ है, सब मिला करके और इसको आपस में हम जोड़ देंगे। मिला के आराम से सिलना है। नीचे रनर है, उस पर ध्यान रखना है कि वो सिले ना पाए। तीनों पीस को हमें सिलना है। अब इसको हम पलट देंगे, ये हमारी सीधी जिप आ जाएगी और जो जितनी सिलाई है ये अंदर चली जाएगी इस तरह से। अब इसको हम यहाँ पर सिलाई मशीन चला के फाइनल कर देंगे। Thank you.
से पूरा बराबर कर देंगे। हमारा एकदम बराबर कपड़ा आ गया है। इस तरह से अब ये हमारी जिप लग गई। अब हमें इसका अगला प्रोसीजर ये करना है कि ये जो हमने 7 इंच पे निशान लगाया था यहाँ पे बाहर, यहाँ से इसको हम पूरा पलटेंगे इस तरह से, और जो हमारा बटन वाला हिस्सा है जो प्रेस लॉक है, इसका जो नीचे का हिस्सा है उसको लगाएंगे। इसका ये इस तरह से वॉशर मिलता है, वॉशर को भी लगाना है, और यहाँ पर ये चेक करना है कि ऊपर से है जो हमारा कवर, ये अब हमारी, ये मैं यहाँ पे इससे नाप नहीं बताया क्योंकि जिप की जो पट्टियाँ होती हैं, ये मेरी 3 नंबर की जिप लगी है अंदर, तो उस हिसाब से चौड़ी पतली हो सकती है, तो इसको यहाँ पर हम हल्के से इस तरह से निशान लगा देंगे ये इसके बराबर। अब यहाँ से हमें ये बाकी कवर जो है मोड़ना है। ये हमारा कवर मुड़ गया इस तरह से। यहाँ पर हमारी उंगली है और इसको भी हम सिल नहीं सकते क्योंकि अभी हमें ये जो बटन है हमारा प्रेस लॉक है उसको लगाना है, और इसका मैंने सेंटर निकाल रखा है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप पहले इसको यहाँ पर इस तरह से रखें यहाँ पर, और इसको यहाँ पर लाएं। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये लॉक कहाँ पर आ रहा है। तो इस लॉक का ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको यहाँ पे रखें, यहाँ पे फंसेगा ये, और ये इसमें करीब आधा इंच के करीब इसमें गैप है जो हमारा कपड़े के अंदर चला जाएगा और लॉक हो जाएगा। तो ये इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसमें हम निशान लगा देंगे। ये हमारा निशान यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब हटा देंगे इसको, ये कपड़ा हटा करके अब इसको हम अलग अलग कर देंगे इस तरह से। ये जो पीला कपड़ा था इसको इधर कर दिया। अब ये जो वॉशर है, इस वॉशर को इसके नीचे लाना है, और इसको यहाँ से ये देखना है कि कितने नीचे है। ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हमें कपड़े के अंदर डालना है बहुत सावधानी के साथ। इसमें पहले से नोक बनी होती है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए, ये हमारा जो बटन का प्रेस लॉक का जो हुक था वो यहाँ पर आ गया है। अब इसमें हम ये वॉशर डाल देंगे। वॉशर के जो पीछे के जो वायर होते हैं ये बहुत शार्प होते हैं, इसलिए इसको संभाल के डालना है। इस तरह से अब इसको हम अपोजिट साइड में लॉक करना इस तरह से। इसको बस हाथ से ऐसे अच्छे से दबा देंगे, ये पूरा लॉक हो जाएगा, और ये हमारा हुक लग गया है। अब इसको लगाने के बाद ये जो हमारा एक हिस्सा बाकी है बटन का, इसको हम संभाल के रख देंगे, ये सबसे लास्ट में लगेगा क्योंकि इसका वॉशर अंदर जाना था इसलिए इसको पहले लगाया गया। अब हमने यहाँ पर ये देखिए, ये 7 इंच पे जो निशान लगाया है, अब इसको फिर से हम मेजर करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 7.5 आ रहा है। अब हम यहाँ से 7.5 लेंगे, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम पूरी लाइन खींच देंगे सीधी। अब ये पीस हटा देंगे, ये जो हमने 7.5 लिया था इस लाइन पर, अब हमें ये जो 10x13 का पीस था इसको हमें जोड़ना है। तो इसको उल्टा इसलिए जोड़ा गया, सीधा उल्टा करके सीधा इसलिए किया गया कि अंदर कोई भी जोड़ ना दिखाई दे। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, और ये जो सिलाई वाला हिस्सा है जो हमने जिसमें मशीन चलाई थी, ये हमारा ऊपर रहेगा, और इसको इस लाइन पे ऐसे सीधा रख के जोड़ देंगे। अब आपको मैं यहाँ पे पहले बता दूं कि ये क्यों जोड़ा जा रहा है। ये हमारी अंदर की एक्स्ट्रा जो पॉकेट है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, या
पैसा वगैरह रखने के लिए या चाबी रखने के लिए, उसके लिए ये हम पॉकेट अंदर बना रहे हैं। तो अब हम इसको जोड़ेंगे। बस ये जो लाइन खींची है इसी पे ये कपड़ा रखना है और इसको सिल देना है। हमें साइड से सिल देना है। दूसरी साइड से भी सिल देना है। और आप जो ये बढ़ा हुआ कपड़ा देख रहे हैं, मैं हमेशा बढ़ा के लेती हूँ, वैसे ये पूरा 13 है। अब यहाँ पर जो बीच में हमने निशान लगाया था, ये हमारा बीच का है। अब इसको हम दो पार्ट में दो पॉकेट बना देंगे, ढीले ढीले। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको 3 पॉकेट या 2 पॉकेट या 1 पॉकेट बनाने देती हैं। यहाँ पर हमें डबल मशीन चलानी होगी। यहाँ पर पॉकेट है, हाथ बार बार जाएगा, सामान रखा जाएगा तो फटने का डर रहता है। यहाँ पर हम डबल मशीन चला देंगे और फिर जैसे पॉकेट में डबल मशीन चलती है, इस तरह से हमें ये हमारी अंदर की पॉकेट तैयार हो गई। अब हमारा अगला प्रोसीजर है ये पूरा इसको बाहर निकल आया। ये देखिए, ये हमारी अंदर की पॉकेट है। जिप की तरफ इसका मुंह, सॉरी, जिधर ये ऊपर का फ्लैप रहेगा उधर की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा। जिप की तरफ इसका जो बीच का जोड़ है इसका बॉटम है। तो ये हमारी पूरी पॉकेट तैयार हो गई अंदर की, और बाहर हमें कोई भी मशीन नहीं दिखाई देगी। इसको अब हम इस तरह से, अब हमें यहाँ पर इसको, ये जो हमने लाइन खींची थी इस कपड़े के साथ, इसको हमें जोड़ देना है। ये जो जिप वाला हिस्सा है ये सिंगल कपड़े में, ये जो हमने लाइन खींची थी इस पर हमें जोड़ना है। ये हम जिप खोलेंगे, ये हमने जिप खोला और ये हमें अंदर की पॉकेट आसानी से दिख जाएंगी। अब हम इसको वापस फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये हमारा पर्स आएगा। सब बराबर करते हुए इसको हमें पहले मशीन चला देनी है।
और मशीन, अब इसको करने से पहले ये जो हमारे ऊपर का फ्लैप है इस पे हमें वो लेस लगानी है। लेस थोड़ा सा ऊपर से लगाएंगे, दूसरी तरफ का भी सिल देंगे। अब यहां पर हमें इसको गोल साइज में देना है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप गोल देना चाहें तो जो मैं प्रोसीजर बता रही हूँ उस तरह से करिए, नहीं तो आप इसको सिंपल रख सकते हैं। यहाँ पर इस कॉर्नर से ये 3 इंच पर ये हमारी जो लेस आ रही है यहाँ पर आएगा, और इधर से भी ये हम 3 इंच लेंगे। यहाँ 3 इंच हो गया, यहाँ 3 इंच हो गया, और यहाँ से अब हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे, और 3 इंच के जो दोनों कॉर्नर हैं 2 इंच से मिलाते हुए इसको ऐसे कर देंगे, और अभी इसको नहीं काटेंगे। ये 3 इंच यहाँ आया, 3 इंच यहाँ आया, और इसको 2 इंच पर निशान लगाना है, और इसको 3 से 3 मिलाना है, और यहाँ पर ये जो 2 इंच आ रहा है इसको यहाँ पे हल्का सा बेंड कर देना ताकि गोलाई आ जाए। ये हमारा जब निशान लग गया तब हम ये ऊपर का जो फ्लैप का हिस्सा है इसमें इसको हम अब हम फाइनल जोड़ेंगे इस तरह से। तो पहले हम यहाँ पर एक सिलाई चला देते हैं, चल गई है, ये हमारा पूरा फिक्स हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसके साइड भी हमें सिल देने हैं, जो अंदर का कपड़ा है उसको अंदर की तरफ सीधा करते हुए। अब सब साइड पहले हम सिल देंगे, उसके बाद इसमें हम अगला काम करेंगे। और बैग बहुत सिंपल है, लेकिन हमारी जो बहनें इसका बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हैं या हॉबी की तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, उनके लिए आज हैंडल और प्रेस लॉक का जो मैंने आइडिया दिया है स्पेशली उसके लिए ये पार्टी वेयर पर्स मैंने बनाया है। अब इसमें यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया था इस पर हम मशीन चलाएंगे।
इधर भी जो निशान लगा था। और इससे अगर आपको गोलाई नहीं मिलती है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि ये बराबर कटा है, तो आप कोई भी कटोरी या प्लेट का ये जो स्क्वायर यहाँ पे जो इसका कॉर्नर आ रहा है उसमें कटोरी या कोई भी ढक्कन कुछ भी रख करके और उसका गोला किनारे से खींच करके बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग हमारी येलो कलर की होगी, जो कपड़ा अंदर है सेम। इसके लिए हम पाइपिंग काटेंगे। और इसको हम जोड़ेंगे। ये हमारी पाइपिंग तैयार हो गई। अब हमें इसको जोड़ना है। इसको इस तरह से जोड़ेंगे, अंदर की तरफ से हम बाहर की तरफ ले जाएंगे। लॉक सिस्टम का ये जैसे मैं हमेशा बताती हूँ उस तरह से इसको छोड़ना है और इसको जोड़ना है। अब हमें पाइपिंग पीली है। अभी तक तो हम ग्रीन ग्रीन कलर के धागे का इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमें धागा चेंज करना होगा क्योंकि पाइपिंग हमारी येलो है तो इस पे ग्रीन धागा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम येलो लेंगे। अब ये पार्टी वेयर पर्स है तो इसमें आप यहाँ जो ग्रैप है हमारा, इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ लेस वगैरह लगाने के बाद इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस पूरे फ्लैप को पूरा कवर कर सकते हैं, केवल इतना पीस तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा।
हम इसको यहाँ पे लॉक करते हुए इस तरह से पूरा इसको सफाई के साथ सोख देंगे। जहाँ शुरुआत कर रहे हैं वहां पे डबल मशीन चलानी है। पाइपिंग लगाते समय हमेशा ये याद रखें कि जैसे ये पाइपिंग मैंने जोड़ी, यहाँ पर आपको ये सिलाई दिखाई दे रही है जो पाइपिंग जोड़ी गई थी, तो जब हम पाइपिंग पलटें और उसको डबल करें तो इसी जो ये इधर की जो सिलाई दिखाई दे रही है इसी पे ये पाइपिंग पूरी पलट के आनी चाहिए। तो आपकी पाइपिंग इस तरह से पूरी सीधी और क्लियर आएगी और कोई भी अंदर की मशीन जो सिलाई हुई है वो नहीं दिखाई देगी। तो इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि पाइपिंग सीधी लगाने का तरीका इस तरह से है। लास्ट में इसी तरह जो बड़ी हुई पाइपिंग थी उसको अंदर लॉक सिस्टम करते हुए और फिनिशिंग देनी है और डबल मशीन चला देनी है लास्ट में। ये हमारा पर्स तैयार हो गया है एकदम। ये देखिए अब हमें जो हमारा प्रेस बटन था उसको लगाना है। इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है, इसके ऊपर लाना है क्योंकि ये जो हमारी पाइपिंग का हिस्सा है ये अंदर चला जाएगा और ये इसमें यहाँ पे देखिए गैप है, ये देखिए कांटे बने हुए हैं। अब इस गैप में हम इसको डालेंगे और एक ही बार डालना है क्योंकि अगर आपने एक बार डाल दिया और गलत जगह डाल दिया तो फिर इसको निकालने में दिक्कत होगी क्योंकि जो कांटे हैं इसके अंदर कपड़े में ये फंस जाते हैं। तो इसको अंदर डालें, लगाने का तरीका यही है और इसका अच्छे से सेंटर लेते हुए इस कपड़े को इसके अंदर प्रेस कर दें इस तरह से और फिर इस तरह से करें और इसको कपड़े और बटन को एक साथ पकड़ते हुए इसको बाहर कर लें ये। और अब इसको हम यहाँ पे अच्छे से दबा देंगे, ये हमारा लॉक हो गया पूरी तरीके से। ये देखिए निकलेगा ही नहीं, ये हमारा इसी में पूरा दब चुका है ठीक है। और ये हमारा अब लॉक सिस्टम तैयार हो गया इस तरह से। ये तो हो गया प्रेस लॉक का प्रोसीजर, इस तरह से लगाना है निकालना है
और ये हैवी होने के नाते आपका ये उठेगा भी नहीं। और देखिए पूरे पर्स की लुकिंग अपने आप चेंज हो गई है। अब दूसरा इसमें हमें लगाना है हैंडल। इसका हैंडल में भी सेम प्रोसीजर है जैसे ये है। अगर एक बार इसका कांटा फंस गया तो आपका कपड़ा खराब हो सकता है। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। अब ये हमारा है 13 इंच, तो इसको हम लेंगे 6 1/2। ये हमारा 6 1/2 आ रहा है और इसकी जो चौड़ाई है इस तरह से देखेंगे ये हमारी 4 इंच है। ये जो हैंडल है इसको हमने यहाँ से मेजर किया तो ये 4 इंच है ये चीज। अब इसको हमें ये जो हमने सेंटर निकाला था यहाँ से बीच में 2 इंच रखेंगे, इधर निशान लगाएंगे और इधर निशान लगाएंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये हमारा जो पीस आ रहा है ये भी इसमें दब जाना चाहिए। अब हम इसको सफाई के साथ इस तरह से पहले एक डालेंगे, इसको सेंटर में डालते हुए इसको कपड़े को पूरा अंदर इस तरह से करेंगे और इसको भी खूब कस के दबा देंगे। अगर हाथ से नहीं दब रहा है तो आप प्लास की मदद ले सकती हैं। इस तरह से दबा देना है। दूसरा पीस भी इसको थोड़ा सा खोल भी सकते हैं कपड़ा डालने के लिए। इसको भी हम प्रेस कर रहे हैं, काफी मजबूती के साथ इसे हमें प्रेस करना होगा। और ये भी हमारा अटक गया है, ये थोड़ा ढीला है। इसको हम नोजल प्लास की मदद से टाइट कर देते हैं हल्का सा इस तरह से। और हमारा बैग कंप्लीट। ये भी नहीं निकलेगा, ये देखिए मैंने पूरी ताकत लगा दी है, ये नहीं निकलेगा। तो ये केवल पार्टी वेयर पर्स के लिए ये हैंडल आते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लटकेगा और ये आपका कवर, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा पैक हो चुका है। यहाँ पे प्लेट्स आएंगी उसको आने दीजिए क्योंकि यहाँ पे कोई पॉकेट नहीं है। और ये हमारी अंदर की 2 पॉकेट भी तैयार है। तो इस तरह से आप अपने पार्टी वेयर पर्स तैयार कर सकती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।